भोजपुर पुलिस को उस समय सफलता मिली जब गुप्त सूचना मिली कि जिले के टॉप 20 अपराधियों में से एक नकुल महतो हथियार के साथ किसी घटना का अंजाम देने जा रहा है। सूचना मिलते ही भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार ने जगदीशपुर डीएसपी के नेतृत्व में टीम गठित किया, जिसमें शाहपुर थाना प्रभारी सहित कई पुलिसकर्मी शामिल थे। आरा बक्सर मुख्य मार्ग स्थित बिलौटी के पास सघन जांच चलाया गया। पुलिस द्वारा जांच देख बाइक पर सवार नकुल महतो भागने लगा। पुलिस द्वारा पीछा कर उसे हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार नकुल महतो नवादा थाना क्षेत्र के कई कांडों में शामिल रहा है। वहीं शाहपुर थाना क्षेत्र के 6 लाख रुपए लूट में भी शामिल होने का आरोपी बताया जाता है। आरोपी नकुल महतो मुफसिल थाना क्षेत्र के जमीरा निवासी ललन महतो का पुत्र है। वहीं शाहपुर पुलिस ने करनामेपुर से कुख्यात मुकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। मुकेश कुमार के ऊपर हत्या, लूट, रंगदारी के कई मामले दर्ज हैं। डीएसपी जगदीशपुर को गुप्त सूचना मिली कि कुख्यात बदमाश मुकेश कुमार करनामेपुर में छिपा हुआ है। सूचना के आधार पर छापेमारी किया गया, जहां मुकेश कुमार छिपा हुआ था, उसे हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इस बाबत भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि नकुल महतो तथा मुकेश कुमार की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है। इसमें एक टॉप 20 का एक क्रिमिनल है और जिसका नाम नकुल महतो है। ये कई लूट कांडों में और कई जो पहले भी आप लोगों को पता है कि आरा नवादा में एक जगह जो है बारात में एक फायरिंग को लेकर जिसमें एक लूट हत्या भी हुई थी। पहले भी इसमें वांछित थाना है, इसमें ड्वेल था, लेकिन शाहपुर और मुफस्सिल अलग अलग थानों में इसके ऊपर जो है कई लूट के कांड दर्ज थे। और उसी के तहत हमारा जो थानाध्यक्ष शाहपुर डीआईओ की टीम और अन्य जो हमारी टीम थी थाना अध्यक्ष, उन्होंने मिलकर जो है काफ़ी दिन से इसके पीछे पड़े हुए थे। तो कल इसकी गिरफ्तारी जो है NH-84 से हुई है और इसका नाम नकुल महतो है और पिता ललन महतो। ये जमीरा आरा मुफस्सिल का रहने वाला है और ये शाहपुर में 6 लाख रुपए की एक लूट कांड हुआ था और नवादा में भी पहले हत्या हुआ था और मुफस्सिल में एक जो है हाईवे पर लूट हुआ था। ये 2-3 जो अभी हमारे पास कांड है इसमें जो है नेम्ड है और अन्य जो कांडों में अगर ये वांछित है कहीं तो उसका हम लोग अभी पता कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल पाएगा कि कहाँ का किया है। इसके बाद से हम लोग जब इसको जो गिरफ्तारी की है तो एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ है और मोटरसाइकिल भी शायद इसका नहीं है। नातेपुर ओपी के जो टॉप 10 क्रिमिनल से एक मुकेश यादव है और ये कई कांडों में वांछित है और इसके खिलाफ जो है चोरी, हत्या और आम सहित और अन्य जो गंभीर धाराओं सरकारी पुलिस पे हमले से संबंधित टोटल अब तक 5 कांड जो है हम लोगों को मिले हैं और भी हम लोग पता कर रहे हैं कि किन कांडों में इसका जो है कि वांछित है या इसकी संलिप्तता है। मुकेश यादव के पिता का कमला यादव, ये सैया डेरा करनामेपुर ओपी का रहने वाला है और इसकी गिरफ्तारी से निसंदेह जो है और करनामेपुर और शाहपुर क्षेत्र में जो है लूट या अन्य घटनाओं में जो है। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।